नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर गोंडा से है। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने अपने कार्यकर्ता के साथ दिया धरना एवं विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश गोंडा जिला पंचायत सभागार के सामने टीन शेड में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनकर एडवोकेट की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता पीड़ित व्यक्तियों के साथ महामहिम राज्यपाल को संबोधित, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, जिसमें थाना उमरी बेगमगंज में दलित लड़की के साथ 29 अक्टूबर 2020 को हुए दुष्कर्म, थाना करनेलगंज श्रीमती श्यामा पत्नी शिव कुमार के साथ घटित घटना 24 जून 2020 के विरुद्ध व देवतवा बेलभरिया के पट्टे की जमीन का सीमांकन एवं कब्जा दिलाने तथा दलित राजदेई को नसबंदी में मिले एक एकड़ भूमि गांव बनघुसरा तहसील गोंडा में दबंगों के चंगुल से मुक्त कराने से है। प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो चीफ राजकरण अकेला एडवोकेट गोंडा के साथ शिवचरण रावत की रिपोर्ट। और इसलिए तमाम योजनाएं बनाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भाइयों के लिए समाज में जगह दिया। महात्मा गांधी जी ने इसलिए और जो आगे हम जिला प्रशासन व्यवस्था में, लेकिन धरना जो मेरा है एक चंगेरी गांव है, थाना इटिया थाना उमरी बेगमगंज की रहने वाली लड़की है। उसके साथ हम मुंबई 2020 में घटना हुआ बलात्कार रेप हुआ था और उस रेप को लेकर के उसके पिताजी को मारा गया कि सुलह समझौता कर। इस संबंध में कहीं कोई आप पीड़िता द्वारा कोई एप्लीकेशन दिया गया था? 2019 के तहत मुकदमा सर दर्ज हुआ। जी जी। और उसमें किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई। 161 और 164 के बयान होने के बाद मुझे मानो को गिरफ्तार किया गया। और उसके सीओ साहब या जो भी काला अफसर रहे हो उनकी मिली भगत नहीं हुआ। 161 और 164 के बयान के बाद कोई गवाह की जरूरत होती नहीं है। क्या इस धरना में वो पीड़ित व्यक्ति आया हुआ है? पीड़ित महिला है। जी जी। महिला के परिवार है जी। उसके माँ बाप है। और एक ही नहीं, 7 बिंदु पर मैंने मांग किया है और 7 बिंदु पर गरीब कुछ।